हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था बायोडायवर्सिटी एंड इट्स क्लासिफिकेशन, और इस चैप्टर में हमने एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम पढ़े थे, और आज हम पढ़ने वाले हैं हैबिटेट एंड अडॉप्शंस ऑफ प्लांट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हैबिटेट और अडॉप्शंस क्या होते हैं। हैबिटेट इज़ द फिजिकल प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, ईट, स्लीप एंड रिप्रोड्यूस। हैबिटेट एक ऐसी फिजिकल जगह होती है जहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म खाना खाते हैं, रहते हैं, सोते हैं और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं। कहने का मतलब है कि जहाँ ऑर्गेनिज्म रहते हैं उस जगह को बोलते हैं हैबिटेट। नेक्स्ट है अडॉप्शंस। अडॉप्शन इज द चेंज इन द फिजिकल, जेनेटिक एंड एनवायरमेंट ऑफ द एनिमल। जहाँ एनिमल्स रहते हैं उनके एनवायरमेंट को, उनके जेनेटिक्स में जो चेंजेस होते हैं जिससे कि वो फिट रहें और वो सर्वाइव कर सके, जी सके, उसको बोलते हैं अडॉप्शंस। अडॉप्शन इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज बिकम फिटेड टू इट्स एनवायरमेंट। इसका मतलब है अडॉप्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज उस एनवायरमेंट में फिट हो सकें। प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड इन फॉलोइंग मैनर ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द एनवायरमेंट एंड द वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स को वाटर के बेसिस पर, मतलब उनकी जो अवेलेबिलिटी है उनके बेसिस पर डिवाइड किया गया है, हाइड्रोफाइट्स, जेरोफाइट्स, मेसोफाइट्स, क्रायोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स में। फर्स्ट ग्रुप है हाइड्रोफाइट्स। प्लांट्स विच आर फाउंड इन एक्वेटिक एनवायरमेंट और इन द सॉइल विथ एक्सेस वाटर आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स में ऐसे प्लांट्स आते हैं जो एक्वेटिक एरिया में हो, मतलब पानी में होते हैं, या फिर ऐसी सॉइल में, ऐसी मिट्टी में जहाँ पर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो इस टाइप के प्लांट्स को या फिर इस टाइप के ग्रुप को हम बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। इनके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे लॉटस, ट्रापा, हाइड्रिला। इनके अडॉप्शंस हैं, फर्स्ट है एक्वेटिक प्लांट्स आर फाउंड इन अबंडेंस ऑफ वाटर, देयरफॉर द रूट सिस्टम इज पुअरली डेवलप्ड, द वाटर इज अब्सॉर्ब्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द प्लांट। एक्वेटिक एनवायरनमेंट में होने के कारण इनका रूट सिस्टम पुअरली डेवलप्ड रहता है और ये वाटर को अपने सरफेस से अब्सॉर्ब करते हैं। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक ट्रापा आर ग्रीन टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दीज आर कॉल्ड एसिमिलेटरी रूट्स। और कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो ग्रीन कलर के होते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसमें, और वो उसी से खाना बनाते हैं। इस टाइप के प्लांट्स को असिमिलेटरी रूट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, इन सम प्लांट्स लाइक लामना रूट्स एक्ट एज बैलेंसिंग ऑर्गन। और कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनकी रूट्स एक बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह काम करती है, मतलब पूरे प्लांट को बैलेंस करने का काम करती है। इन एक्वेटिक प्लांट द स्टेम इज सॉफ्ट, थिन एंड फ्लेक्सिबल। एक्वेटिक प्लांट्स की जो तना होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, पतला होता है और फ्लेक्सिबल होता है, आसानी से उसको मोड़ा जा सकता है। द सेल्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स हैव लो ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन। और इनकी सेल्स का जो ऑस्मोटिक कंस्ट्रक्शन होता है वो बहुत लो होता है। मैकेनिकल टिश्यूज़ एंड वस्कुलर टिश्यूज़ आर पुअरली डेवलप्ड इन हाइड्रोफाइट्स। और एक्वेटिक प्लांट्स के सीड्स और फ्रूट्स दोनों ही वेट में बहुत लाइट होते हैं। ये हाइड्रोफाइट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, हाइड्रिला, वॉल्फिया, लेमना, लॉटस, लिली। नेक्स्ट ग्रुप है जेरोफाइट्स। प्लांट्स फाउंड इन ड्राई प्लेसेस और एट द प्लेसेस ऑफ स्कैसिटी ऑफ वाटर आर कॉल्ड जेरोफाइट्स। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ड्राई एरिया में, मतलब रेगिस्तान वगैरह में पाए जाते हैं, इसलिए इनको जेरोफाइट्स कहा जाता है। एग्जांपल्स हो जाएंगे थॉर, कैक्टस, अपेंटिया। इनके अडॉप्शंस हैं, टू अब्सॉर्ब वाटर जेरोफाइट्स हैव डीप एक्सटेंसिव रूट सिस्टम। वाटर को अब्सॉर्ब करने के लिए इनकी रूट्स बहुत डीप होती है, एक्सटेंसिव रूट सिस्टम होता है। टू अब्सॉर्ब वाटर रूट्स हैव रूट्स हेयर एंड फॉर प्रोटेक्शन अ वेल डेवलप्ड रूट कैप इज प्रेजेंट। वाटर को ऑब्जर्व करने के लिए इन पर रूट्स हेयर होते हैं और प्रोटेक्शन के लिए इनमें वेल डेवलप्ड रूट कैप भी पाई जाती है। नेक्स्ट है, द स्टेम इज वुडी एंड हैज मल्टी सेलुलर हेयर। इनकी स्टेम वुडी होती है, मतलब एकदम लकड़ी जैसी होती है। द स्टेम ऑफ सम प्लांट्स लाइक
कैलोट्रॉपिस हैज कोटिंग ऑफ वैक्स एंड सिलिका। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिन पर कोटिंग होती है वैक्स और सिलिका की। इन सम ज़ायरोफाइट्स द स्टेम इज ग्रीन एंड फ्लैशी विथ स्टोर वाटर एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। और कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं ज़ायरोफाइट्स में जिनकी स्टेम, जिनका तना ग्रीन कलर का होता है और फ्लैशी होते हैं और वाटर को स्टोर करते हैं और परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को। इनके एग्जाम्पल है ऑपुंटिया और थोर कैक्टस। द सेल ऑफ ज़ायरोफाइटिक प्लांट्स हैव हाई ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन। ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सॉल्यूशन की या सॉल्यूट की कंसनट्रेशन लेवल चेक किया जाता है। फिर है द सीड्स एंड फ्रूट्स हैव अ टफ कवरिंग अराउंड देम। और इनके बीज और फ्रूट्स जो होते हैं उन पर एक टफ कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग होती है। ज़ायरोफाइट्स के एग्जांपल्स हैं पोनीटेल, स्नैक प्लांट, कैक्टस, हैंडशेक्स, जेड प्लांट, क्राउन थ्रॉन्स, एलोवेरा, ये सब ज़ायरोफाइट्स में आते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है हेलोफाइट्स। प्लांट्स फाउंड इन सलाइन सॉइल। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सलाइन सॉइल में पाए जाते हैं। सलाइन सॉइल का मतलब है ऐसी मिट्टी जिसमें बहुत सारा सॉल्ट हो और मार्शी एरिया, कॉल्ड हेलोफाइट्स। इस तरह के प्लांट्स को हेलोफाइट्स कहा जाता है। द सलाइन सॉइल हैज़ अबंडेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूबल सॉल्ट। और इस टाइप की सॉइल में बहुत सारा सॉल्ट घुला हुआ रहता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सब क्या है, सॉल्ट है। ये इस टाइप की सॉइल में घुले हुए रहते हैं। प्लांट्स फाउंड इन मार्शी सलाइन सॉइल आर कॉल्ड मैंग्रोव प्लांट्स। और इस टाइप के प्लांट्स को मैंग्रोव प्लांट्स कहा जाता है। इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे राइजोफोरा, सेल्सोला, एविसिनिया। इनके अडप्शंस हैं, फर्स्ट है द रूट्स ऑफ सच प्लांट्स आर शैलोवर, देयरफॉर स्पेशल स्टेम रूट्स और स्टिल्ट रूट्स डेवलप्ड फ्रॉम द स्टेम एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट इन मार्शी एरिया। जो मार्शी एरिया होता है जहाँ पे सॉल्ट वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो इस टाइप के प्लांट्स में ऐसी स्टेम और रूट्स पाई जाती है जो इनको मैकेनिकल सपोर्ट देती है। चाहे आंधी वगैरह आए या फिर तूफान वगैरह आए, तो ये क्या है, उस पूरे प्लांट को सपोर्ट करके रखती है। द स्टेम ऑफ सच प्लांट आर फ्लैशी टू स्टोर क्लोराइड आयन्स। और इनकी जो स्टेम है वो क्लोराइड आयन को स्टोर करके रखती है। और इस टाइप के प्लांट्स के लीव्स साइज में बहुत छोटी होती है एंड हैवी शाइनी सरफेस। और इनका सरफेस एकदम शाइनी होता है और ये सॉल्ट को अब्सॉर्ब करती हैं। हेलो फ्रेंड्स, के मैंग्रोव प्लांट्स है राइजोफोरा, एविसिना, कैंडल। ऑक्सीजन इज लैकिंग इन सच मार्शी सॉइल ड्यू टू स्टैगनेंट वाटर, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द प्लांट्स डू नॉट गेट ऑक्सीजन। और इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है क्योंकि ये मार्शी सॉइल में रहते हैं, इसलिए इनके पास, इनके रूट्स के पास ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है। टू कंपेंसेट दिस लॉस, इस लॉस को पूरा करने के लिए सम ब्रांचेज ऑफ दीज रूट्स बिकम नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड अबाउ द सरफेस ऑफ सॉइल। इसलिए कुछ इनमें ऐसी रूट्स पाई जाती है जो सरफेस के वर्टिकली ग्रो होती है, मतलब वर्टिकली उगती है। इसलिए इन रूट्स को रेस्पिरेटरी रूट्स या फिर न्यूमेट्रोफोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट ग्रुप है क्रायोफाइट्स। द प्लांट्स फाउंड इन वेरी कॉल्ड और स्नो कवर्ड एरियाज आर कॉल्ड क्रायोफाइट्स। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही कॉल्ड जगह पर, ठंडी जगह पर या फिर जहां बर्फ़ पड़ती है उस टाइप की जगह पर ये पाए जाते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं लाइकेंस, रोडोडेंड्रॉन्स एंड मॉसेस। इनके अडप्शंस हैं द प्लांट्स विच ग्रो इन कॉल्ड रीजन आर जनरली हर्ब्स, मॉसेस एंड लाइकेंस। ऐसे प्लांट्स जो ठंडी जगह पर उगते हैं उनमें मोस्टली हर्ब्स होते हैं, मॉसेस होते हैं और लाइकेंस होते हैं। विच डेवलप्ड व्हेन आइस मेल्ट्स, और ये तब उगते हैं जब आइस मेल्ट होती है एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और इन प्लांट्स का लाइफ साइकिल बहुत ही कम टाइम का होता है। इट मीन्स दीज प्लांट्स आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। ये प्लांट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही उगते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है मेसोफाइट्स। प्लांट्स फाउंड इन एन एनवायरमेंट ऑफ मॉडरेट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, नॉर्मल रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर ऑफ आर कॉल्ड मेसोफाइट्स। ऐसे टाइप के प्लांट्स ह्यूमिडिटी में, टेम्परेचर में और वाटर की अवेलेबिलिटी होने पर ही उगते हैं। सच एनवायरमेंट
हैज आइडियल कंडीशन फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स। और ये इनकी आइडियल कंडीशन होती है एनवायरनमेंट की, जिसमें ये ग्रोथ करते हैं और डेवलप्ड होते हैं। इनके अडॉप्शंस हैं, दीज प्लांट्स हैव वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम। इनमें रूट सिस्टम एकदम डेवलप्ड होता है। एंड रूट हैव रूट्स हेयर एंड रूट कैप्स। और इनके रूट्स के पास रूट हेयर्स भी होते हैं और रूट कैप भी होती है। द स्टेम इज एरियल ब्रांच्ड थिक एंड टफ। इनका तना जो होता है वो एरियल होता है, मतलब थोड़ा हवा में होता है। ब्रांच होती है इनकी, और इनकी जो साइज है वो थिक होती है और टफ होती है, मतलब इनकी स्टेम हार्ड होती है। लीव्स आर ब्रॉड एंड स्टोमाटा आर फाउंड ऑन बोथ सरफेस ऑफ लीव्स। और इनकी लीव्स ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है, और उनमें स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमाटा होते हैं जो लीव्स पर हॉल्स पाए जाते हैं, उनको स्टोमाटा कहते हैं। एग्जाम्पल्स हो जाएंगे क्रॉप प्लांट, जैसे मस्टर्ड, हॉर्टिकल्चर प्लांट्स। एग्जाम्पल्स हो जाएंगे मेसोफाइट्स के। अभी हमने प्लांट्स के हैबिटेट एंड अडॉप्शंस पढ़े कि प्लांट्स कौन से टाइप के एरिया में पाए जाते हैं और उनको वहाँ रहने की क्या क्या कंडीशंस होती है। अब हम पढ़ेंगे कि हैबिटेट एंड अडॉप्शंस ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के रहने की जगह कौन कौन सी होती है और उनकी कंडीशंस क्या होती हैं। इन नेचर एनिमल्स आर फाउंड ऑन लैंड, इन वाटर, एयर एट्सेट्रा। एनिमल्स लैंड पे भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं और एयर में भी रहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट्स द एनिमल्स आर ग्रुप्ड इन द फॉलोइंग मैनर। इनको तीन तरह से ग्रुप्ड किया गया है, एक्वेटिक एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और एरियल एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स में पानी में रहने वाले एनिमल्स आएंगे, टेरेस्ट्रियल में लैंड पर रहने वाले एनिमल्स आएंगे और एरियल में आकाश में रहने वाले एनिमल्स आएंगे। एनिमल्स में फर्स्ट ग्रुप है एक्वेटिक एनिमल्स। द एनिमल्स फाउंड इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। ऐसे टाइप के एनिमल्स जो पानी में पाए जाते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। आउट ऑफ दीज सम आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, सम इन मैरिन वाटर, वाइल सम अदर आर एम्फीबियस। कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो फ्रेश वाटर में पाते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो समुद्र के पानी में पाए जाते हैं, और इनमें कुछ एम्फीबियंस भी आते हैं जो लैंड पर भी और वाटर दोनों पर रहते हों। फर्स्ट है, द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज स्ट्रीमलाइन टू हेल्प देम इन स्विमिंग। इनकी बॉडी शेप इस तरह से होती है ताकि आसानी से स्विम कर पाएँ। नेक्स्ट है, दीज एनिमल्स हैव फिन्स और फ्लिपर्स टू फैसिलिटेट स्विमिंग्स। इनमें इन एनिमल्स में फिन्स पाए जाते हैं, जिनको फ्लिपर्स भी कहा जाता है, ताकि आसानी से स्विमिंग कर पाए एंड टू मेंटेन बैलेंस ऑफ द बॉडी। और इन्हीं फिन से या पंखों से ये अपने बॉडी का बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स हैव गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। एक्वेटिक एनिमल्स अपने गिल्स से रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, मतलब सांस लेते हैं। दीज एनिमल्स यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। और ये रेस्पिरेशन के लिए ऐसी ऑक्सीजन को अब्जॉर्व करते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होती है। द बोन्स ऑफ दीज एनिमल्स आर लाइट इन वेट। इनकी बोन्स काफ़ी हल्की होती है और स्पंजी होती है। नेक इज आइदर अब्सेंट और लेस डेवलप्ड। इन एनिमल्स की नेक नहीं होती है, और अगर होती भी है तो लेस डेवलप्ड होती है। द बॉडी इज कवर्ड विथ स्केल्स एंड मस्कस ग्लैंड। और इनकी बॉडी स्केल से कवर्ड होती है और मस्कस ग्लैंड पाई जाती है। नेक्स्ट है, सॉल्ट एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स आर फाउंड इन एनिमल्स। इनहैबिटेंट सलाइन वाटर टू एक्सक्रीट एसिड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। जो एनिमल्स समुद्र में होते हैं, समुद्र में क्या होता है, सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उस सॉल्ट की को अपने बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए इनमें एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। एम्फीबियंस एनिमल्स सच एज सेलेमेंडर रेस्पायर बाय बोथ गिल्स एंड लंग्स। सेलेमेंडर एक एनिमल होता है, एम्फीबियन टाइप का होता है, ये लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी रहता है, तो ये दोनों से सांस लेता है, गिल से भी और लंग से भी। जब ये पानी में होता है तो गिल से सांस लेता है, और जब ये लैंड पर होता है तो लंग से सांस लेता है। इनके एग्जांपल्स हो जाएंगे फिशेस, फॉक्स, टर्टल। पानी में रहने वाले सारे एनिमल्स एक्वेटिक एनिमल्स के एग्जांपल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट ग्रुप है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में फर्स्ट टाइप है डेजर्ट एनिमल्स या फिर ज़ायरोकोल। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स विच आर फाउंड इन ड्राई हैबिटेट्स आर कॉल्ड डेजर्ट एनिमल्स। इस टाइप के एनिमल्स ड्राई प्लेसेस में होते हैं। दीज एनिमल्स हैव स्पेशल फीचर्स, द लेग्स एंड फुट ऑफ दीज एनिमल्स आर एबल टू डिग, वॉक एंड रन स्विफ्टली इन डेजर्ट। इस टाइप के एनिमल्स में
फोर्ट और लैग्स इस प्रकार के होते हैं ताकि वो आसानी से रेगिस्तान में या रेत में चल पाएँ, दौड़ पाएँ। एग्जाम्पल्स, द लैग्स ऑफ कैमल आर कुशन टू मूव ईजिली ऑन सैंड। जैसे कैमल के लैग्स होते हैं वो नीचे से गद्दे जैसे होते हैं ताकि आसानी से रेत में धंसे नहीं और आसानी से चल पाएँ। द कलर ऑफ द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज मड लाइक ग्रेश ब्राउन। इस टाइप के एनिमल्स के बॉडी का कलर मड लाइक होता है, जैसे ग्रे कलर या ब्राउनिश कलर। इट हेल्प्स देम टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम प्रेडेक्टर्स। इस टाइप के कलर होने का रीज़न ये है कि ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं शिकारियों से, क्योंकि रेत का कलर भी ब्राउनिश होता है और इनका कलर भी ब्राउनिश होता है, ताकि आसानी से रेत में छुप जाएं और शिकारियों से बच जाएं। दीज एनिमल्स एक्सक्रीट वेरी कंसनट्रेटेड यूरिन एंड देयर फेसिस आर ऑल्सो वेरी ड्राई एंड सॉलिड। इस टाइप के एनिमल्स बहुत ही कम एक्सक्रीट करते हैं यूरिन को। स्वीट ग्लैंड्स आर आइदर लेस डेवलप्ड और एबसेंट। जो स्वीट ग्लैंड्स होती है, पसीने वाली जो ग्लैंड्स होती है, वो बहुत ही लेस डेवलप्ड या फिर एबसेंट होती है। द स्किन ऑफ सम एनिमल्स लाइक मोलोच इज हाइग्रोस्कोपिक टू ऑब्टेन वाटर। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो वाटर को अब्जॉर्व करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। यहाँ पर रहने वाले एनिमल्स को वाटर की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है। ये एक साथ में ही बहुत ज़्यादा पानी पी सकते हैं और कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। नेक्स्ट है, द नॉस्ट्रिल्स आर स्मॉल एंड हैव वॉल्स टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम सॉइल पार्टिकल्स एज इन कैमल। यहाँ पे क्या होता है, डेजर्ट एरिया में रेत उड़ती है, मिट्टी उड़ती है, तो इस टाइप के यहाँ जो रहते हैं एनिमल्स, उनमें नॉस्ट्रिल्स बहुत स्मॉल होता है, नाक के जो हॉल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं और उनमें वॉल्स होते हैं ताकि वो सॉइल के पार्टिकल्स से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। ये कैमल्स में भी पाए जाते हैं। द हम्प ऑफ कैमल स्टोर्स फैट। कैमल का हम्प, कुबड़ जिसको बोलते हैं, वो फैट को स्टोर करके रखता है। ऑक्सीडेशन ऑफ दिस रिलीज सम मेटाबॉलिक वाटर। और ऑक्सीडेशन प्रोसेस से इसमें से मेटाबॉलिक वाटर रिलीज होता है। वाटर इज नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी ऑफ कैमल। वाटर को स्टोर नहीं किया जाता है, फैट को स्टोर किया जाता है हम्प में। एग्जांपल्स हैं कैमल, फ्रोनोसोमा, डेजर्ट रेट, मोलोच, कंगारू रेट। सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे डेजर्ट एनिमल्स के। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में हमने फर्स्ट पढ़ा डेजर्ट एनिमल्स, जो ड्राई प्लेसेस में रहते हैं। अब है एनिमल्स ऑफ कोल्ड रीजन, जो कोल्ड प्लेसेस में रहते हैं। द एनिमल्स फाउंड इन द एरिया ऑफ वेरी लो टेम्परेचर और स्नो कवर्ड एरिया। इस टाइप के एनिमल्स बहुत लो टेम्परेचर या फिर पूरा एरिया अगर स्नो से, बर्फ से ढका हुआ हो, तो उस टाइप के एरिया में ये रहते हैं। इन दिस हैबिटेट द टेम्परेचर इज़ वेरी लो एंड वेरी कोल्ड एंड वेरी ड्राई विंड ब्लोज एट हाई स्पीड। ऐसे जगह पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, बर्फीली हवाएं चलती है बहुत ज़्यादा स्पीड से। द एरिया रिमेन कवर्ड विथ स्नो एंड आइस। और पूरा एरिया स्नो और आइस से कवर रहता है। ये एग्जांपल्स हो जाएंगे कोल्ड रीजन एनिमल्स। इस टाइप के एनिमल्स में फर लाइक स्किन होती है, जो इनको कोट की तरह काम करती है, प्रोटेक्ट करती है इनको कॉल्ड से। दे आर वाइट इन कलर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व फ्रॉम प्रेडेटर एनिमल्स। और इनका कलर वाइट होता है ताकि ये शिकारियों से अपने आप को बचा सके, बर्फ में आसानी से छुप सके। एग्जांपल्स है पॉलर रैबिट, पॉलर बियर, मस्क ऑक्स, पॉलर फॉक्स। नेक्स्ट ग्रुप है एरियल एनिमल्स। द एनिमल्स विच फ्लाई इन एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो हवा में फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, उनको एरियल एनिमल्स कहा जाता है। दे हैव द फॉलोइंग एडप्शंस। द बोन्स ऑफ दीज एनिमल्स आर हॉलो एंड लाइट इन वेट। इस टाइप के एनिमल्स की बोन्स काफ़ी हल्की होती है और खोखली होती है, ताकि इनको आसानी से उड़ सके। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी टू फ्लाई। एग्जाम्पल्स हो जाएंगे एरियल एनिमल्स के। देयर फोरलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स टू एनेबल देम टू फ्लाई। इनके फोरलिम्स विंग्स की तरह मॉडिफाइड किए होते हैं ताकि ये आसानी से उड़ पाएँ। देयर सेंस ऑफ साइट इज़ बेटर देन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। इनकी देखने की कैपेसिटी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स से ज़्यादा होती है। दे हैव बीक्स फॉर फीडिंग। खाने के लिए इनके पास बीक्स होती है ताकि आसानी से फीडिंग कर सकें। चोंच को कहते हैं। देयर टेल हेल्प्स इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ द बॉडी। और इनकी पूंछ बॉडी को मेंटेन करके रखती है, बैलेंस करके रखती है। द बॉडी ऑफ एरियल एनिमल्स इज कवर विथ फैदर्स। एनिमल्स की बॉडी
पंखों से ढकी हुई होती है। दीज फेदर्स ट्रैप एयर टू मेक द बॉडी लाइट इन वेट, और ये एयर को ट्रैप कर लेते हैं और बॉडी को लाइट वेट रखते हैं। फेदर्स ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, पंख इनकी बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखने में भी हेल्पफुल होते हैं। एग्जाम्पल्स हो जाएंगे बर्ड्स, पैरट, क्रो, पिकॉक, जितने भी टाइप के फ्लाइंग बर्ड्स हैं वो सभी इसमें आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बायोनोमियल सिस्टम। ये एक साइंटिफिक सिस्टम होता है, कोई भी स्पीसीज हो, ऑर्गेनिज्म की कोई भी स्पीसीज हो, उसको एक साइंटिफिक नेम देने का एक साइंटिफिक सिस्टम होता है जिसको हम बायोनोमियल सिस्टम कहते हैं। द साइंटिफिक सिस्टम ऑफ नेमिंग ईच स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ अ लैटिनाइज नेम, लैटिन लैंग्वेज में इनके नेम लिखे जाते हैं इन टू पार्ट्स। इनके दो पार्ट्स होते हैं, द फर्स्ट इज द जीनस एंड इज रिटन विथ कैपिटल लेटर्स, और फर्स्ट वर्ड जो होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। द सेकेंड इज सम स्पेसिफिक एपिथेट दैट डिस्टिंग्विश द स्पीसीज विद इन द जीनस। द बायोनोमियल सिस्टम इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट अलाउज साइंटिस्ट टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई इंडिविजुअल स्पीसीज। इट वॉज प्रपोज बाय कार्लस लीनियस, और ये बायोनोमियल सिस्टम कार्लस लीनियस ने दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द साइंटिफिक नेम ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म हैज टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट रिप्रेजेंट जेनरिक नेम, द सेकेंड पार्ट रिप्रेजेंट इज स्पेसिफिक नेम ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उनको साइंटिफिक नेम देते हैं तो उसको दो पार्ट्स में देते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो उसकी जेनेटिक या फिर जनरेशन से रिलेटेड होता है, और सेकेंड उसका स्पेसिफिक नेम होता है। लैटिन लैंग्वेज इज यूज फॉर साइंटिफिक नेम्स, और इन साइंटिफिक नेम्स देने के लिए लैटिन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। When written by hand in English, both the words are separately underlined. और इन दोनों words को अलग अलग separate किया जाता है। First word का first letter capital लिखा जाता है। Example है scientific name of mango, Mangifera indica. Mango का scientific name होता है Mangifera indica. वैसे ही human का scientific name होता है Homo sapiens. आज की class यहीं ख़त्म होती है। Thank you.